वेलकम टू माई चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। तो आज मैंने पेंटिंग में ट्राई किया है कुछ यूनिक जो मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू था। तो आज की पेंटिंग में मैंने रोज़ को पेंट किया है और उसको थोड़ा सा 3D लुक दिया है कपड़े पर। कपड़े पर 3D पेंटिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई होप कि आज की पेंटिंग आपको अच्छी लगे। तो चलिए पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक ही रोज़ फ्लावर को पेंट कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पानी लिया और ड्राइंग के ऊपर उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने जहाँ पर कपड़े को गीला किया है ब्रश की हेल्प से, वहाँ पर मैंने वाइट कलर को यूज़ किया है। वाइट कलर को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर स्प्रेड करना है। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है, आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ब्रश को चेंज किया है। यहाँ पर मैंने राउंड ब्रश विद साइज़ 0 लिया है और रेड कलर का मैंने फ्लावर की आउटलाइनिंग में यूज़ किया है। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि कलर्स और कपड़ा अभी भी थोड़ा सा वेट है और कलर्स हमको थोड़े से फैलते दिखाई दे रहे हैं, बट हमने यहाँ पर पैनिक नहीं होना है और अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू करते जाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कौन से फ्लावर्स की पेंटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, तो आप में से एक का आंसर आया था कि आपको रोज़ की पेंटिंग करनी चाहिए और उसको थोड़ा सा 3D लुक देकर आप अपनी पेंटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज उनकी ही डिमांड पे ये मैंने आज की वीडियो को क्रिएट किया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आज की पेंटिंग को आप इंजॉय कर रहे हैं। बट आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप और भी किन फ्लावर्स की पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट सेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से रीड करती हूँ और उनका रिस्पॉन्स भी करती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताएं। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। रोज़ फ्लावर को और सुंदर डिटेलिंग देने के लिए मैंने रेड कलर के साथ साथ सैवरिन कलर और लेमन कलर का भी यूज़ किया है। इससे हमारे फ्लावर को और सुंदर डिटेलिंग मिलेगी और ये बहुत खिलकर आएगा। अगर आप भी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से पेंटिंग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप मेरी उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। रोज़ फ्लावर को रियल लुक देने के लिए मैंने उसके सेंटर में लेमन कलर का यूज़ किया है। इससे हमारे फ्लावर का सेंटर हाईलाइट भी होगा और इसको एक रियलिस्टिक लुक भी मिलेगा, और इससे आगे चल कर देखेंगे हमारा फ्लावर और भी सुंदर दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे कलर्स अभी भी थोड़े थोड़े वेट हैं और उनमें ही मैंने शेडिंग दी है। जैसे कि रेड कलर जो मैंने आउटलाइनिंग के लिए यूज़ किया था, उसी रेड कलर को मैंने फ्लावर में शेडिंग के लिए यूज़ किया है, और मैंने ब्रश के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कलर को अप्लाई नहीं किया है। जो उधर वेट कलर प्रेजेंट था उसी कलर से मैंने शेडिंग को यहाँ पर किया है। रोज़ फ्लावर के अराउंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले पानी यूज़ किया है और फिर उसमें थोड़ा सा रेड
लेमन और सैप ग्रीन कलर का यूज़ किया है और उनको अच्छी तरह से फ्लावर के अराउंड मैंने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कलर्स को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश साइज़ 0 का यूज़ किया है और फ्लावर में डिटेलिंग देने के लिए मैंने राउंड ब्रश विद डिफरेंट साइजेस यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने साइज़ 0, 00 या 000 का भी यूज़ किया है। रोज़ फ्लावर की लीव्स को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने सैप ग्रीन कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर और थोड़ा सा रेड कलर का यूज़ किया है और इससे हमारी शेडिंग बहुत सुंदर दिखाई दे रही है रोज़ फ्लावर की लीव्स में। एंड आई होप कि आपको भी ये पेंटिंग उतनी ही सुंदर दिखाई दे रही है एंड आप ये पेंटिंग को घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। लीव्स और ब्रांचेस को पेंट किया है यहाँ पर मैंने सैप ग्रीन कलर से, फिर मैंने लीव्स के अराउंड ब्राउन कलर को यूज़ किया है एज अ आउटलाइनिंग के लिए और वाइट कलर को लीव्स के और ब्रांचेस के सेंटर में यूज़ किया है सो लीव्स हाईलाइट हो जाए और ऐसे मैंने लीव्स को एक बहुत सुंदर सा लुक दिया है। मैं हर वीडियो में ट्राई करती हूँ कि आपको हर चीज़ एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में दी जाए सो आप भी जब पेंटिंग करें आपको किसी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े और आपको हर चीज़ पहले से ही पता हो। बट आपकी भी प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा नीडेड है और जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही पेंटिंग आपकी सुंदर होती जाएगी। और आपने भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि जब आप स्किप कर वीडियोस को देखोगे तो आपको जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें आप कनेक्शंस फॉर्म नहीं कर पाओगे और अधूरी जानकारी के साथ आप जब पेंटिंग करने जाओगे तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज मिलेंगी। रोज़ फ्लावर को थोड़ा सा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने मैरून कलर का यूज़ किया है। मैरून कलर से मैंने फ्लावर की आउटलाइनिंग दी है और छोटी छोटी डिटेलिंग्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ऐसे हमारा फ्लावर और भी खिलकर आ रहा है और ये देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।
ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।